तो चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच आज एक बार फिर मंदिर के कपाट खुले। कुछ महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, हालांकि उन्हें प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। इससे पहले कल शाम को सबरीमाला मंदिर के द्वार खुले थे, लेकिन रात 10 बजे तक महिलाएं दाखिल नहीं हो सकी। मंदिर 5 दिनों तक खुला रहेगा और मंदिर के आसपास के इलाकों में महिलाओं के एंट्री के खिलाफ स्थानीय संगठन कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देना परंपरा के खिलाफ है। महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम पिनराई विजयन ने टिप्पणी की है। विजयन ने ट्वीट करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद महिलाओं को रोकने वाले लोग आरएसएस समर्थित हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर तनाव भी लगातार जारी है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे अब तक करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो विधानसभा चुनाव शुरू होते ही राजनीतिक दलों के बीच जोर तोड़ की होड़ मची हुई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके के भाजपा में शामिल होने के बाद एक और कांग्रेस विधायक को मंत्री पद का प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल कराने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हर चुनाव से पहले सीडी रिकॉर्डिंग का रोल बढ़ जाता है। इस बार भी राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के शुगर का इलाज करने वाले कंबल बाबा का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। तो बाद में गृह मंत्री को बोला कि पूरी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, जिताने से लगा के पूरी ये जवाबदारी तुम्हारी रहेगी अगर महाराष्ट्र आते होंगे, अगर अपनी बात जो जो मुझे माफ किया और जो बीजेपी में शामिल होते होंगे, ये शब्द में बोला उसने। आज उसका घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था, आज उसने बुरी भक्ति मेरे को दिखी थी। सुना जाए, यही गृह मंत्री हैं जिनके यहाँ मैं गया कुछ सहयोग करने करके, नहीं इनका मानसिकता तो समझ लीजिए, वो कुछ भी सहयोग करने का तैयार नहीं हुए। बाकी मेरी बात सुनो, बाकी वो जमीन मेरी 20 करोड़ की थी, बराबर 20 करोड़ की थी, मैंने 2 करोड़ के देने की बात की। मैं अभी आपको एक से भी बात कर लूँ तो अभी मेरी जमीन का निर्णय करवाया। इस ऑडियो ने सियासी खलबली मचा दी है, लेकिन मैं बीजेपी का कट्टर यानी एक कट्टरवादी आदमी हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आदमी आगे बढ़े, मेरे आदमी आगे बढ़े, बाकी उसकी वजह से मैं रायपुर आया जाती, मैं अभी रायपुर में हूँ, बाकी अभी उसके यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने बात किया, महाराज जी भी आपको फोन लगाएंगे। नहीं नहीं वो तो सारा चीज ठीक है, लेकिन मेरे को तो अगर मैं विश्वासघात किया तो हमारा जो व्यवहार है, चरित्र है, हमारे परिवार का जो एक आदर्श है, उससे हट के काम होगा। वायरल ऑडियो में कंबल बाबा कांग्रेस के लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज को बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। इस ऑडियो सीडी में कंबल बाबा कथित तौर पर कहते सुने जा सकते हैं। ऑडियो में कंबल वाले बाबा ने पिछले सप्ताह रामदयाल उइके के बीजेपी में शामिल होने का भी राज खोला है। जी पहला विश्वासघात होगा तो पहला मेरा विश्वासघात होगा। नहीं नहीं विश्वासघात मैं करूंगा ना, अगर मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ तो विश्वासघात तो हम मैं करूंगा ना पार्टी के साथ। अभी तुरंत 5 मिनट पहले बघेल जी का फोन आया था, महाराजा साहब का, इनका, हमारे सभी नेताओं का इतना हमारे ऊपर विश्वास है, अगर उस विश्वास को अगर मैं तोड़ देता हूँ तो कल बीजेपी वाले भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये अपने पार्टी के साथ दगाबाजी करके आया है, ये हमारा कितना विश्वास पात्र होगा। नहीं बाप जी, आप तो पहले बीजेपी में थे ना। नहीं था, मैं था, लेकिन यही अविश्वास के कारण तो मैं कांग्रेस में आया।
और आज वो तो कहा जाता है मजबूरी में गधे को भी बाप कहना पड़ेगा कह के, वही स्थिति आज इनके पास आ रहा है। महाराजा साहब को भी, महाराजा साहब भी हमारे ऊपर जितना विश्वास करते हैं ना, शायद और किसी के ऊपर नहीं विश्वास करते होंगे। ऑडियो वायरल होने के बाद से ही इसे खारिज करने के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को आगे आना पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि ऐसे बाबा घूमते रहते हैं, उनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। तो मैं ये बताता बाबी, तो मैं विश्वासघाती नहीं बनूंगा। आओ कि ना आओ, मेरी बात सुनो, बीजेपी में आप आओ कि ना आओ, मुझे वो नहीं है, लेकिन मेरे को एक बार आपको मिल लेना चाहिए बाबी। मैं उनसे मिलूंगा ना, मैं उनसे मिलूंगा, उतने में फोटो खींच के बता देंगे कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, फिर हम सफाई देते रहेंगे। तो बाप जी मैं बनता हूँ, ये फोटो फाटो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस कोई चीज नहीं होगा। नहीं सुनिए ना, जिस तरह से इनका लाइन चल रहा है, अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को ले गए, तो इन लोग किस हद तक जाएंगे उसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं वो तो कार्यकारी अध्यक्ष आ गया है बाकी, लाइन नहीं गया है, बराबर 10 करोड़ में सौदा हो गया बाकी, मैं आपको बता देता हूँ 10 करोड़ में सौदा हुआ है, और उसको मंत्री पद की फाइनल बोल दिया, तुम्हारे को जिताने की जवाबदारी हमारी और मंत्री बनाने की जवाबदारी हमारी, तो मंत्री पद के लिए मैं आपको बताऊँ। नहीं सुनिए ना, हम तो महाराजा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसके बाद हम मंत्री बने नहीं बने, हम विधायक केवल बने रहे ना, उतने ही हमारे लिए तो बहुत है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने ऑडियो क्लिपिंग पर हमला किया है। सिंहदेव का कहना है कि देश में मूल्यों, सुचिता और भगवान राम की बात करने वाले पार्टी की हकीकत क्या है, कांग्रेस की शिकायत निर्वाचन आयोग से करने के साथ ही थाने में भी मामला दर्ज कराएगी। फिलहाल कांग्रेस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कराने की बात कर रही है, वहीं सवाल ये भी है क्या इस तरह के ऑडियो की जांच नहीं होनी चाहिए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 18 सीटों पर चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी होते ही बस्तर में नामांकन फॉर्म लेने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक प्रत्याशी नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं और इसी बीच एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अनोखा नजारा दिख रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से एक गरीब प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए सिक्कों से भरा थैला लेकर यहां पहुंचा। सिक्कों से भरा थैला देखकर निर्वाचन अधिकारी भी हैरान हो गए। समाजवादी पार्टी से सामान्य सीट के लिए नामांकन भर रहे नंद कुमार गुप्ता को नामांकन पत्र खरीदने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो नामांकन फॉर्म खरीद सके। इधर उधर खूब हाथ पैर मारा, अपने समर्थकों से चंदा इकट्ठा किया। चंदे के तौर पर उन्हें 4,000 रुपए के सिक्के और 6,000 रुपए के नोट मिले। इन्हीं पैसों को लेकर नंद कुमार गुप्ता जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और सिक्कों के अलग अलग थैली दिखाकर अधिकारी दंग रह गए। फिर भी वो फॉर्म खरीदने के लिए पैसे दिए। अधिकारियों को सिक्के गिनने में कई घंटों का वक्त लग गया। उनके पसीने छूटने लगे, जिसे गिनते गिनते नामांकन का समय भी बीत गया। आपको बता दें कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं नंद कुमार गुप्ता और सिक्के गिनने में अधिकारियों के पसीने तक छूट गया, क्योंकि इतने सिक्के थे, इतना वक्त इन सिक्कों को गिनने में लग गया। तो मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का दावा है कि गठजोड़ की बातचीत सिरे नहीं चढ़ने का नुकसान कांग्रेस को होगा। बीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डूंगर राम गैदर ने पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि तैयारियां चल रही हैं,
पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य के विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतदाताओं में अच्छी पैठ रखने वाली बीएसपी ने बीते कुछ चुनाव में धौलपुर, भरतपुर और दौसा के साथ साथ गंगानगर जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर भी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जिन सीटों पर पार्टी जीत नहीं सकी वहां उसने परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। वैसे कैसा, 2013 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 3 सीटें जीती और आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को एक तरह से तीसरे नंबर पर धकेल दिया। सारे के आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों की विदेशी यात्रा पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, सीएम ने बीजेपी के सभी सांसदों से कहा है कि वे अपने प्रतिनिधियों से अधिकतम समय संसदीय क्षेत्र में बिताएं। गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग के दौरान कहीं योगी ने ये बातें कही। योगी ने कहा कि केंद्र नेतृत्व ने तय किया है कि सभी सांसद और वरिष्ठ नेता आगामी 6 महीने तक अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं और समझाएं। इसके अलावा जनता का फीडबैक भी लें ताकि जरूरी सुधार किया जा सके। यूपी के सीएम ने यह कहा है कि अगले कुछ दिनों से वह हर एक गांव में जाकर रात्रि विश्राम भी करेंगे। यहां जनता से रूबरू होकर उनके मन और माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। जहां जरूरत पड़ी वहां पर परफॉर्मेंस सुधार के लिए काम भी किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का यह कदम आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। तो वहीं राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमर ने आजम पर आरोप लगाया है कि सपा नेता ने कथित तौर पर उनकी बेटियों पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और आजम खान पर केस दर्ज कराया है। ये एफआईआर कथित तौर पर उनकी बेटियों पर तेजाब फेंकने की धमकी देने को लेकर लखनऊ के गोमती नगर थाने में प्राथमिकी जांच में दर्ज की गई है। अमर सिंह ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी नेता ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन पर और उनके 17 साल की जुड़वा बेटियों को धमकी दी। पुलिस ने आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा है कि सिंह के प्रार्थना पत्र पर आजम खान के खिलाफ कई विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं हाल ही में विवेक तिवारी हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आजम पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से एक बार फिर यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़ रहा है। आजम पर हुई इस एफआईआर से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि महिलाओं के सम्मान को किसी भी तरह ठेस पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो मंत्री हो या फिर संतरी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। महानवमी के पवित्र अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मां देवड़ी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ मां देवड़ी की पूजा अर्चना उन्होंने की। रघुवर दास ने मां से राज्य की सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ प्रदेश की प्रगति की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य की जनता को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। नवरात्र पूजा के अवसर पर इस ऐतिहासिक मंदिर कर शक्ति की आराधना की और पूरे राज्य सुख समृद्धि शांति। तो वहीं बिहारियों सहित उत्तर भारतीय पर गुजरात में हुए हमले को लेकर बिहार कांग्रेस ने अल्पेश ठाकुर से किनारा कर लिया है। कांग्रेस 21 अक्टूबर को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाने जा रही है, जिसमें महागठबंधन से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अल्पेश ठाकुर को बुलावा
नहीं भेजा गया। यह बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को लेकर बिहार कांग्रेस किसी तरह की फजीहत मोल नहीं लेना चाहती है। माना यह भी जा रहा है कि अल्पेश से दूरी बनाने की मुख्य वजह गुजरात में बिहारियों और उत्तर भारतीयों पर होने वाले हमले हैं। दरअसल गुजरात में बिहारियों और उत्तर भारतीयों पर हुए हमले का आरोप जिस ठाकुर सेना पर लग रहा है, अल्पेश उसके प्रमुख हैं। इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी सहित महागठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। तो देश में आरोपियों के स्वागत की एक नई और गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। इसीलिए जब नंसी रेप के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल केरल कोर्ट से बेल मिलने के बाद जालंधर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया। देश में आरोपियों के स्वागत की एक नई और गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। इसलिए जब नन से रेप के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल केरल कोर्ट से बेल मिलने के बाद जालंधर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया। कुछ हफ्ते पहले तक फ्रैंको मुलक्कल के पास जालंधर प्रांत के बिशप की जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि केरल के बहुचर्चित नन रेप मामले में केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को आरोपी फ्रैंको मुलक्कल को जमानत दे दी थी। जालंधर डायसिस के पूर्व विश्व मुलक्कल को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने मुलक्कल के केरल आने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुलक्कल को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया था। दरअसल आरोपी के स्वागत की ये परंपरा नई नहीं है, इससे पहले भी आरोपियों का स्वागत होता रहा है। हाल ही में अजमेर दरगाह धमाके में दोषी साबित होने के बाद जमानत पर बाहर आए दोषियों का भी फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया था। इस ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए थे जबकि 15 लोग जख्मी हुए थे। दोषी जब जमानत मिलने के बाद भरूच स्टेशन पर पहुंचे तो लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके स्वागत में खड़ा मिला। भगवा कपड़ा पहनने वाले और खुद को स्वामी मुक्तानंद बताने वाले पटेल की मेहमान नवाजी में स्थानीय लोगों ने बड़ी रैली निकाली। ये रैली डांडिया बाजार स्थित स्वामीनारायण मंदिर से चलकर पटेल के घर तक पहुंची। कृपा प्रेम भाई है, बाकी तो स्वागत तो वो अपने उनके अंदर जो संत की जो गरिमा थी उसको अभिव्यक्त किया है, मेरा स्वागत नहीं हुआ है। लोगों ने पटेल को कंधे पर बिठाकर रखा था जबकि कुछ लोग गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार कर रहे थे। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे तो कहीं डीजे बजाकर पटेल का स्वागत किया गया। ये सिलसिला पटेल के घर तक चला। इन दोनों मामलों में इनके समर्थक इन्हें निर्दोष मानते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अदालत क्या न्याय करती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आरोपी को स्वागत की ये परंपरा गलत है और इसे बंद करने में ही भलाई है, वरना लोगों का सच और न्याय में भरोसा दिन ब दिन कम होता जाएगा जो पहले से ही कम है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़। तो आपको बता दें कि आज एनडी तिवारी का निधन हो गया है। आज ही के दिन उनका जन्मदिवस भी था और आज ही के दिन उनकी मौत हो गई है। लंबी बीमारी से एनडी तिवारी जूझ रहे थे। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चल रहा था लेकिन पूर्व सीएम एनडी तिवारी का आज निधन हो गया। दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद उनका यह निधन हुआ। इसके साथ ही 93 साल की उम्र में एनडी तिवारी का निधन हुआ। 93 साल के वो हो गए थे। यूपी उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी एनडी तिवारी रह चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख जताया। 18 अक्टूबर को ही एनडी तिवारी का जन्म हुआ था और आज ही उनका निधन हो गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आज एक राजनेता देश ने खो दिया। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनडी तिवारी के निधन पर दुख भी जताया, दुख व्यक्त किया। 93 साल की उम्र में एनडी तिवारी का निधन हुआ है। अंतिम सांस से उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल मिली। लंबी बीमारी से एनडी तिवारी जूझ रहे थे जिसके चलते उनका इलाज चल रहा था लेकिन आज एनडी तिवारी का निधन हो गया।